बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे मुहूर्त के कार्यक्रम में। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम के खास हिस्सा बन सकते हैं। देखिए, हम मुहूर्त की बात कर रहे हैं और वाहन खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त कौन कौन से रहने वाले हैं, मैं डेट वाइज यहाँ पर चर्चा करूंगा। आपको शुभ समय, शुभ लग्न आदि की जानकारी दूंगा और विशेषकर मैं आपको यह भी बताने जा रहा हूं कि जब भी आप वाहन खरीदें तो आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप पर्सनल व्हीकल की बात कर रहे हैं, टू व्हीलर खरीद रहे हैं, फोर व्हीलर आप खरीद रहे हैं अपने लिए, या फिर आप ट्रांसपोर्ट के लिए उसे प्रयोग में लेने वाले हैं, किसी भी प्रकार का वाहन आप खरीद रहे हैं तो आपको कब खरीदना चाहिए, मैं दो नियम यहां पर बताऊं, फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे डेट वाइज। देखिए, नियम क्या है, जब हम कोई भी मुहूर्त की बात होती है, हमने मान लो एक तारीख का मुहूर्त बन रहा है और हमने एक तारीख को वाहन खरीदना, तो हमने पहले तो ये निश्चित कर लेना है कि एक तारीख को, क्योंकि इतना सबको ज्ञान नहीं होता है कि कौन कौन से नक्षत्र, बार, तिथि, ये सब जो है वाहन खरीदने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। अगर आपको उसकी जानकारी है तो फिर तो बहुत ही अच्छा है, फिर तो आपको जो है सीधा मुहूर्त देखने के लिए उन्हीं चीजों को देखना होगा। लेकिन अगर उसकी जानकारी आपको नहीं है तो आपने डेट सर्च कर लिया, मान लो आपने हमारी वीडियो देखी, उसमें है कि एक तारीख का मुहूर्त है, लेकिन हमने एक तारीख का मुहूर्त कह दिया और उसके बाद आपने सोचा कि एक तारीख को हम गाड़ी ले रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपको मुहूर्त एक तारीख को क्या चेक करना है, आपके लिए यह मुहूर्त सुबह नहीं है। आप अपनी चंद्र कुंडली तैयार करें, आपको अपनी चंद्र कुंडली जानकारी नहीं है तो आप अपनी राशि की कुंडली तैयार करें। मान लो आपकी मेष राशि निकल रही है तो आपने मेष राशि की कुंडली बना ली, फिर आपने गोचर आज के चंद्रमा को बिठाना है या जिस दिन आपने गाड़ी खरीदना है, समझ रहे हैं। मान लो दो तारीख आप गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहे हो, उस दिन मुहूर्त है, तो आपने दो तारीख के चंद्रमा को गोचर में बैठा देना है। अब आपने देखना है कि आपके चंद्रमा आपकी राशि से चौथे, आठवें या बारहवें तो नहीं है, अगर हैं तो मुहूर्त बना रहे, कोई दिक्कत नहीं, आप उस दिन वाहन ना खरीदें, क्योंकि आपकी राशि पर सुप्ता नहीं है, उस दिन आपके लिए अनुकूल नहीं है। दूसरा आपको क्या देखना है, मंगल और शनि, क्योंकि दोनों को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोहे के कारक शनि माने जाते हैं और वाहन के कारक मंगल माने जाते हैं, तो दोनों ग्रहों की स्थिति को आपको जरूर देखना है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, जब आप गाड़ी ले रहे हैं तब कौन सा लग्न है, क्योंकि सर्वे दोषा विनिश्यन्ति लग्न शुद्धि यदा भवे, तो ये दो तीन चीजें हैं जो आपको आवश्यक रूप से देखने की देखनी है, उसके बाद आप आगे बढ़े। आइए अब हम यहाँ पर डेट वाइज चर्चा करते हैं। नए दर्शक हैं तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आगे भी अध्यात्म ज्योतिष इस प्रकार की जानकारियां, खासकर हर प्रकार की मुहूर्तों की जानकारी आपको मिलती रहे। आइए सबसे पहले हम इस बार बात करेंगे यहां पर अक्टूबर और नवंबर के मुहूर्त, यानी अक्टूबर और नवंबर में आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो अक्टूबर के महीने अगर हम बात करें तो यहां पर 5 अक्टूबर श्रवण नक्षत्र अश्विन मास शुक्ल पक्ष और दशमी तिथि बुधवार का दिन, बहुत अच्छा मुहूर्त है, आप इस दिन वाहन परचेज कर सकते हैं। दूसरा यहां पर जो डेट यहां पर बन रहा है वाहन खरीदने के लिए अक्टूबर के महीने में, वो है 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर को काफी अच्छी स्थिति है, अश्विन मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि शुक्रवार। इसके साथ ही यहां पर सप्तमिशा नक्षत्र और अवजित नक्षत्र दोनों का संयोग रहेगा, आप वाहन परचेज कर सकते हैं। 7 अक्टूबर के बाद अगली जो तारीख है वो है 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर के दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष सोमवार प्रतिपदा तिथि और रेवती नक्षत्र रहेगा, अवजित मुहूर्त के अंदर आप वाहन परचेज कर सकते हैं। अगली जो तारीख रहने वाली है वो 14 तारीख, यानी 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर को कार्तिक कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि शुक्रवार, पंचमी और शुक्रवार का संयोग बहुत अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है, खासकर बहुत सारे मुहूर्तों के अंदर, और वाहन परचेज में भी इसको अत्यंत शुभ माना गया है। अब इस दिन जो है रोहिणी नक्षत्र रहेगा, अवजित काल, वृश्चिक धनु आदि लग्नों में आप वाहन परचेज कर सकते हैं। ध्यान रहे, कुंभ लग्न के अंदर गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए। अगली तारीख यहां पर रहेगी 28 अक्टूबर। 28 अक्टूबर का संयोग कार्तिक शुक्ल पक्ष तृतीया और शुक्रवार, यह भी यहां पर अच्छा दिन है वाहन खरीदने के लिए। अनुराधा नक्षत्र जो कि 10:33 के बाद स्टार्ट होगा, उस मुहूर्त के अंदर या फिर उससे संबंधित और जो लग्न है वो उस शुभ लग्न के अंदर आप जो है वाहन परचेज कर सकते हैं।
तो अक्टूबर के महीने की जो डेट थी वो ये है। अब नवंबर की हम बात कर रहे हैं, नवंबर की महीने क्या स्थिति यहां पर रहने वाली है। यहां पर 6 नवंबर का पहला मुहूर्त बनेगा जिसमें आपका कार्तिक शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी तिथि और रविवार, ठीक है, क्योंकि रविवार बहुत सारे कार्यों के लिए हमें सूट करता है, छुट्टी भी उस दिन होती है, ठीक है ना, तो ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं होती है। रेवती नक्षत्र भी है और अभिजीत मुहूर्त के अंदर वाहन अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। अगली तारीख रहेगी 11 नवंबर। 11 नवंबर को क्या संयोग बन रहा है यहां पर, मार्गशीर्ष, कृष्ण पक्ष, तृतीया तिथि और शुक्रवार। देखिए मैंने जैसे पहले भी कहा कि शुक्रवार का संयोग वाहन खरीदने के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है और तृतीया शुक्र का संयोग भी अच्छा माना जाता है, इसलिए यह अच्छा संयोग है। और मृगशिरा नक्षत्र यह बहुत अच्छा नक्षत्र माना जाता है, तो इस नक्षत्र में शुभ लग्न के अंदर आप वाहन परचेज कर सकते हैं। नियम और शर्तें जो है वो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। 11 नवंबर के बाद 13 नवंबर जो अगली तिथि है, इसमें मार्गशीर्ष, कृष्ण पक्ष और पंचमी तिथि और रविवार, यह संयोग भी अच्छा है। पुनर्वसु नक्षत्र और अभिजीत के अंदर आप वाहन खरीद सकते हैं। अगली जो तिथि है वो है 20 नवंबर। 20 नवंबर को यहां पर देखें तो मार्गशीर्ष, कृष्ण पक्ष, एकादशी तिथि और रविवार, रविवार भी अच्छा आपके लिए, एकादशी तिथि का अच्छा संयोग है और हस्त नक्षत्र है, समझ गए। यहां पर दो दो चीज बहुत ज्यादा अच्छी हो जा रही है, एक तो हस्त नक्षत्र, दूसरा आपका जो है, हाँ हस्त नक्षत्र हो गया, और दूसरा एकादशी तिथि, तो योग के हिसाब से ही अच्छा है और दिन के हिसाब से देखा जाए तो रविवार सूट भी ज्यादा करता है, रविवार को ठीक है। अगली जो तारीख है 25 नवंबर, 25 नवंबर को क्या है, मार्गशीर्ष, शुक्ल पक्ष, तृतीया तिथि और शुक्रवार और ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, तो ये भी तिथि अच्छी है। अगली जो तारीख रहने वाली है वो है 28 नवंबर। 28 नवंबर को यहां पर देखें तो मार्गशीर्ष, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि और सोमवार, मैंने आपको पहले ही बताया पंचमी और सोमवार, पंचमी और शुक्रवार ये संयोग अत्यंत शुभ माने जाते हैं, तो ये डेट बहुत अच्छी है। श्रवण नक्षत्र भी है, बहुत अच्छा है। अगली जो लास्ट तिथि नवंबर के अंदर है वो है 30 नवंबर, इसमें मार्गशीर्ष, शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि और धनिष्ठा का संयोग, तो इसमें आप वाहन खरीद सकते हैं, ठीक है। अब कई लोग यहां पर जो है प्रश्नचिन्ह उठाएंगे कि धनिष्ठा नक्षत्र है तो पंचक में खरीदे या ना खरीदे, तो उसकी जानकारी मैं आपको पहले भी दे चुका हूं और स्पष्ट रूप से जब यहां पर मुहूर्त है तो उसके लिए बहुत ज्यादा विचार करने की आपको आवश्यकता है कि नहीं। तो ये था यहां पर अक्टूबर और नवंबर दो महीने की मुहूर्त की जानकारी। आशा करता हूं आपको, आपके लिए वीडियो काफी अच्छी साबित हुई होगी और आप इसी प्रकार के मुहूर्तों के लिए हमारे साथ बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।